आज हम बनाने वाले हैं डोसा सांबर चने दाल की चटनी। सबसे पहले हम सांबर बनाएंगे, उसके लिए कुकर में हम एक कटोरा चना दाल डालेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1 ग्लास वाटर। और इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, जैसे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और नमक स्वाद अनुसार से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हम आगे और भी वेजिटेबल्स डालने वाले हैं जिससे हमारा नमक कम ना हो जाए, इसलिए पहले से ही हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। और अब इसे 3 सीटी तक हम चढ़ा देंगे, 3 सीटी होने का वेट करेंगे। 3 सीटी हो चुका है, अब इसका सीटी खोल के हम इसे इसके लीड को ओपन करेंगे। जी हाँ, हम इसे तुरंत ही खोल देंगे और आप देख सकते हैं हमारा चना दाल गल गया है। और एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं, कलछी से ऐसे ऊपर उठा के देख लेंगे। हाँ, हमारा चना दाल जो है वो गल गया है काफ़ी। अब इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, मैंने 3 से 4 बीन्स डाल रही हूँ, 1/2 शिमला मिर्च मैंने काट के डाला है, 1 गाजर मैंने काट के डाला है, 2 बीटरूट मैं डाल रही हूँ, ये रेड बीट है, 2 मैंने काट लिया है, और इसमें 2 टमाटर डाल रही हूँ, और करीब 150 ग्राम लौकी को मैंने बारीक काट के डाल रही हूँ। और अब इसे मैं वापस से 1 ग्लास पानी छोड़ूंगी इसमें, क्योंकि सांभर तो हम सूप के जैसे पीते हैं तो इसलिए वो थोड़ा और भी पतला होता है, इसलिए 1 ग्लास वाटर और हम इसमें ऐड करेंगे। और फिर अब हम इसे वापस से सीटी के लिए चढ़ा देंगे, बट इस बार हम सिर्फ 1 सीटी के लिए चढ़ाएंगे, उसके बाद हमारा सांभर तैयार हो जाएगा, बट सिर्फ तड़का बचा रहेगा। तो अब आप देख सकते हैं हम एक कढ़ाई ले ली हैं, क्योंकि अब हम बनाने जा रहे हैं चना दाल की चटनी। एक कढ़ाई में हम सरसों का तेल लेंगे करीब 3 बिग स्पून, और उसमें ऐड करेंगे 3 कप चने का दाल। और इसे बहुत ही अच्छे से फ्राई करेंगे पूरे 2 मिनट तक, बहुत अच्छे से महक आने लगे तब तक। जब तक चना दाल फ्राई हो रहा है तब तक आप इसे देखिए, ये मैंने डोसा के लिए मिक्सचर बना के पहले से तैयार रखा है। मैं बता देती हूँ इसमें क्या है, मैंने 6 कप चावल लिया था और 3 कप उड़द का दाल, जिसे कुछ लोग धोइया भी कहते हैं। जो 6 कप चावल था उस और धोइया जो 3 कप है, वो दोनों को मैंने रात भर भिगो के रखा था, और रात भर भिगो के रखने के बाद मैंने सुबह मॉर्निंग में उसका पेस्ट बना लिया, और उसे मैं शाम को, मतलब जब मैं बना रही हूँ तब अभी शाम है, तो आप सोच सकते हो ना, रात भर चावल दाल को भिगो के रखना है, सुबह उसको पीसना है, ग्राइंड करना है, और फिर शाम को हम डोसा बनाएंगे। और आप देखेंगे कि जब आप सुबह इसे ग्राइंड कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे, तो शाम तक देखेंगे जो आपका पेस्ट है वो उठ के और ऊपर आ जाएगा, मतलब खमीर उठ जाएगा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें। अभी गर्मी का सीज़न है, आप जानते हैं ये समर सीज़न है, तो इसलिए मैंने दही नहीं ऐड किया है, बट अगर आप विंटर सीज़न में डोसा बना रहे हैं तो जब मॉर्निंग में आप इसका पेस्ट बनाए तो आप 1 कटोरा दही भी इसमें ऐड कर दे, और थोड़ा सा पिंच बेकिंग सोडा का भी, उससे क्या होगा, खमीर बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। तब तक आप देख सकते हैं, जब तक मैंने उधर आपको पेस्ट दिखाया, मेरा चना दाल भी तैयार हो चुका है, और इधर सांभर भी 1 सीटी दे दिया, चलिए बढ़िया है। ये चना दाल का अब फ्लेम जो है वह मैं ऑफ़ कर दूंगी और 1 ग्लास पानी छोड़ दूंगी, 1 ग्लास भी नहीं, 1/2 ग्लास काफ़ी होगा, इससे क्या होगा हमारा चना दाल थोड़ा फूल जाएगा। अब इस मिक्सचर में, जो डोसा के लिए मिक्सचर था, इसमें मैंने 1 कटोरा सूजी डाला है, इससे क्या होगा डोसा में वो क्रिस्पी आएगा, जो हम क्रिस्पी खाते हैं डोसा, वो क्रिस्पीनेस के लिए हम 1 कटोरा सूजी इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर अभी गाढ़ा है, तो इसे हम पतला भी करेंगे, बट उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे
दो चम्मच अरारोट, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें मैंने डाला है एक बड़ा आदी का पेस्ट, जो नॉर्मल आदी हम लोग देखते हैं वही आदी का पेस्ट बना लीजिए। आपके पास जितना बड़ा भी आदी है उसका पेस्ट बना के आप डाल दीजिए। अदरक डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है डोसा का। आप अगर डोसा का ऐसे पेपर डोसा भी खाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब इसमें डालेंगे हम नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि नमक के बिना तो डोसा का कोई भी फ्लेवर आएगा ही नहीं, तो इसलिए हम लोग नमक भी छोड़ देंगे, पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही, क्योंकि आलू भी तो है, सांबर है, चटनी है इसलिए। और अब आप इसमें हम ऐड करेंगे एक कटोरा पानी, क्योंकि हमें लग रहा था कि इसका जो मिक्सचर है काफ़ी थिक है, तो हम इसे थोड़ा ढीला करेंगे एक कटोरा पानी छोड़ के। और आप देख सकते हैं इसका जो है ये मैंने कितना पतला कर दिया है। बस इस तरीके से ही हमारा डोसा का टेक्सचर रहेगा। अब आप देख सकते हैं हमारा सांभर जो है तैयार हो चुका है। अब हम इसे ओपन कर देंगे और सांभर चेक करेंगे। वेजिटेबल्स भी गल गया है, बहुत ही ज़्यादा धुआं आ रहा है, तो आप देख सकते हैं ये हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है। इसमें अब हम ऐड करेंगे दो चम्मच सांभर मसाला और इसे वापस से मिक्स करेंगे। और अब आप देख सकते हैं हमारा सांभर तैयार हो चुका है। अब उसे हम बंद करके रख दिए। अब हम इधर देखेंगे कि अब हम चना दाल को ग्राइंड करेंगे। जो चना दाल हमने पानी में भिगो के रखा था, इससे क्या हुआ, हमारा चना दाल थोड़ा फूल भी गया, और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। और आप देख सकते हैं हमारा ये सांभर जो है, इसमें मसाला छोड़ने के बाद भी हम एक सीटी लगाए थे, और आप देख सकते हैं मसाला डालने के बाद इसका कलर थोड़ा और चेंज हो गया, और हमारा सांभर अब पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस। अब जो सेकेंड पार्ट हम चना दाल का मिक्सचर बनाएंगे, उसमें हम डालेंगे चार हरी मिर्च और नमक स्वाद अनुसार, और इस पेस्ट को भी अच्छे से बना के साइड कर लेंगे। अब डोसा के लिए हम आलू तैयार करेंगे। आलू में डालेंगे बहुत सारा वेजिटेबल्स, जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर, रेड बीटरूट, बीन्स, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, एक चम्मच मैंने लाल चिली पाउडर लिया है, और ये आप देख सकते हैं सांभर मसाला मैंने डाल रही हूँ तीन चम्मच, और अब डालूँगी चाट मसाला एक चम्मच, और अब डाल रही हूँ नमक एक चम्मच, मतलब स्वाद अनुसार। अब इसे बहुत ही अच्छे से मैं मिक्स करने वाली हूँ। आप अच्छे से सारे स्पाइसेस के साथ, सारे वेजिटेबल्स के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आप देख सकते हैं ये पूरे तरीके से मिक्स हो गया है, और इसका कलर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रहा है, और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है। अब आ गया है तड़का लगाने का बारी। तड़के के लिए हम एक बड़ा कलछा लेंगे और इसमें डालेंगे तेल, मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ,
और इस तड़के के लिए हमें चाहिए सरसों, लाल मिर्ची जो सूखा मिर्चा है, और चारू पत्ता जिसे करी पत्ता भी कहते हैं, करी लीव्स। और इसमें हम डाल देंगे सरसों, तेल हमारा खर हो चुका है, और इसमें ऐड कर देंगे हमारा करी लीव्स और ड्राई चिली। और ड्राई चिलीज अब आप देख सकते हैं सब बहुत ही अच्छे से लाल हो गया। अब इसे हम सांभर में डाल देंगे। आप सेफली डालिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छिटे मारते हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही टेस्टी यम्मी सांभर तैयार हो चुका है। अब हम वापस से तड़का लगाएंगे अपने चने दाल की चटनी में। वापस से हमें वही सेम चीज़ चाहिए, सरसों, सूखा लाल मिर्चा और करी लीव्स, जो कि मैंने कहा करी पत्ता या चारू पत्ता, और उसे भी इस तेल में डाल देंगे। इसे भी हम अच्छे से खर होने देंगे और अपने चटनी में डाल देंगे। और सेफली डालिएगा क्योंकि मैं वापस से बता देती हूँ कि इसमें छींटे मारते हैं काफ़ी। और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं हमारा चटनी भी बहुत ही यम्मी तैयार हो गया है। अब हम तड़का लगाएंगे आलू में। तो उसके लिए कढ़ाई में हम सरसों का तेल डाले हैं। तड़के के लिए वही सेम चीज़ चाहिए हमें, सरसों, सूखा मिर्चा और चारू पत्ता, और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे हमारा आलू। अब हम इसमें सारा आलू डाल देंगे जो हमारा आलू का मिक्सचर था, और इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा तड़का वो आलू में बहुत ही अच्छे से चला जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा आलू मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ गरी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम एक तवा लेंगे और इसमें डालेंगे तेल और उसे अच्छे से सब जगह हम फैला देंगे। ये डोसा का तवा है। डोसा का तवा जो है वो बाज़ार में अलग से आते हैं, याद रहे डोसा आप रोटी के तवे में नहीं बना सकते। अब एक कटोरे से हम डोसा का मिक्सचर डालेंगे और उसे बड़े ध्यान से पूरा तवे पे राउंड करेंगे, और ध्यान रहे कि आपका जो डोसा है वो फटे ना, वरना डोसा फट जाएगा तो ख़राब लगेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से इसे बना दिया है। अब ये 2 मिनट बाद इस तरीके से पक गए हैं। मैं ऊपर से भी थोड़ा तेल डाल दूंगी। जब ये डोसा बन जाएगा तो ये अपने आप तवा छोड़ने लगेगा, आपको उसे छुड़ाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बीच में हम वो आलू का मिक्सचर डालेंगे जो हमने आलू तैयार किया था। और अब आप देख सकते हैं हमारा जो डोसा है वो कोना कोना छोड़ने लगा है। तो उसके पहले अब हम पनीर डाल देंगे ऊपर से, और बेदाना डाल देंगे, पोमेग्रेनेट। और अब इस डोसे को हम फोल्ड कर देंगे और अब एक प्लेट में हम ये डोसा डाल देंगे, और अब सांभर चटनी के साथ आप इसे सर्व कीजिए। वैसे तो डोसा के साथ और भी 2 चटनी और पाउडर डालते हैं, बट ये मैंने नॉर्मल मसाला डोसा बनाया है। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो।